हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम कल के लिए कुछ इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप कोई भी डिटेल को मिस नहीं करना चाहते तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रह सकते हैं। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। फॉर मल्टीबैगर स्टॉक्स रिकमेंडेशन, स्विंग मोमेंटम ट्रेड्स, स्टॉक पोर्टफोलियो क्रिएशन, कॉन्टैक्ट अस एट stockprotips@gmail.com। स्टॉक मार्केट अपडेट्स और इंट्राडे और स्विंग ट्रेड रिलेटेड स्ट्रैटेजी वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए स्टॉक प्रो टिप्स चैनल को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। इस वीडियो में यूज किए गए ट्रेड सेटअप को सिर्फ इंट्राडे स्टॉक्स को पिक करने के लिए यूज किया गया है। अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तब आपको नीचे दिए गए वीडियोस को जरूर रेफर कर लेना चाहिए। लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। मेजर ग्लोबल इंडाइसेस जैसे कि डाउ 30, S&P 500 और नैस्टैक में करंटली हम एक अपसाइड को देख पा रहे हैं, और हम निफ्टी 50 के फ्यूचर लेवल में भी लगभग 80 पॉइंट्स का एक अपसाइड को करंटली फॉर्म होता हुआ देख सकते हैं। फॉरेक्स मार्केट में हमें इंडियन रुपए में एक अपसाइड यहां पे देखने को मिल जाता है, जिस वजह से कल मार्केट अपसाइड में मूव कर सकता है। तो हम इस वीडियो में ऐसे तीन स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनमें कल आपको एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर्म होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो हमारे लिस्ट में जो पहला स्टॉक है वो है एक्सिस बैंक लिमिटेड। आज हमें स्टॉक में लगभग 1.5% का एक अपसाइड देखने को मिला। इसने इंट्राडे में 806.85 के लेवल पे अपना हाई बनाने के बाद 800.45 के लेवल पे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। हम इसमें इसके वीवैप लेवल्स को इसके क्लोजिंग से नीचे के लेवल पे देख सकते हैं, और इसके ऑर्डर बुक में भी हम 2160 स्टॉक्स को देख पा रहे हैं, जिस वजह से कल आपको इसमें ये बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे सकता है। आगे अगर हम इसके टेक्निकल सेटअप की ओर रुख करते हैं तो हम यहाँ पे इसके 30 मिनट के कैंडल्स पे इसके EMA लेवल्स और VWAP लेवल्स पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड को देख पाएंगे। ये अपने वॉर्टेक्स इंडिकेटर में भी अभी भी एक स्ट्रॉन्ग बाय कॉल जनरेट कर रहा है, जिस वजह से कल आपको इसमें ये तेजी बरकरार रहता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आप इस स्टॉक को कल बाय साइड के लिए अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। आज हमें एम्फासिस लिमिटेड में लगभग 3.58% का एक सिग्निफिकेंट अपसाइड देखने को मिला। इसने 1000 के जस्ट नीचे 998.8 के लेवल पे अपना इंट्राडे हाई बनाने के बाद 990.85 के लेवल पे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। हम इसमें इसके वीवैप लेवल्स को इसके क्लोजिंग से लगभग 11 पॉइंट्स के डाउनसाइड के साथ देख सकते हैं, और इसमें हमें आज लगभग 72% का एक सिग्निफिकेंट डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिल जाता है, जिस वजह से कल आपको ये बाइंग मोमेंटम जारी रहता हुआ दिख सकता है। आगे इसके टेक्निकल सेटअप में हम इसके EMA लेवल्स और VWAP लेवल्स पे अभी भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश साइड को देख सकते हैं। ये अपने वॉर्टेक्स इंडिकेटर और MACD इंडिकेटर में एक स्ट्रॉन्ग बाय कॉल को अभी भी जनरेट कर रहा है, जिस वजह से कल ये फर्दर अपसाइड में आपको मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आप इस स्टॉक को भी कल अपने वॉच लिस्ट में बाय साइड के लिए शामिल कर सकते हैं। आज हमें गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी एक सिग्निफिकेंट अपसाइड देखने को मिला। इसने आज 4% के अपसाइड के साथ 1007 पे अपना इंट्राडे हाई बनाने के बाद 1000 के लेवल्स पे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। हम इसमें भी इसके वीवैप लेवल्स को काफी नीचे देख पा रहे हैं, और इसमें हमें लगभग 41.77% का एक डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिल जाता है, जिस वजह से कल भी आपको इसमें ये अपसाइड कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे सकता है। आगे अगर हम इसके टेक्निकल सेटअप की ओर रुख करते हैं तो यहाँ पे आप इसके EMA क्रॉसओवर लेवल्स और वीवैप लेवल्स पे अभी भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल को देख पाएंगे। ये अपने वॉर्टेक्स इंडिकेटर में भी एक स्ट्रॉन्ग बाय कॉल को अभी भी जनरेट कर रहा है, जिस वजह से कल आपको इसमें ये बाइंग मोमेंटम जारी रहता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आप इसे भी बाय साइड के लिए कॉल अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। टुडे निफ्टी अपसाइड के साथ आज ओपन होने के बाद हमें मोस्टली इसमें एक अपट्रेंड देखने को मिला, लेकिन लास्ट ट्रेडिंग आवर में मार्केट में देखे गए प्रॉफिट बुकिंग के वजह से इसने आज 6 पॉइंट्स के डाउनसाइड के साथ 11,841.55 के लेवल पे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। करंटली हम मेजर ग्लोबल इंडाइसेस डाउ 30 को डाउनसाइड में मूव करता हुआ देख सकते हैं, लेकिन हम S&P 500 और नैस्टैक को अपसाइड में ट्रेड करता हुआ देख पा रहे हैं। इसके अलावा हम निफ्टी 50 के फ्यूचर लेवल्स को इसके करंट क्लोजिंग लेवल से लगभग 70 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड करता हुआ देख सकते हैं, और हम फॉरेक्स मार्केट में भी इंडियन रुपी में एक अपसाइड को फॉर्म होता हुआ देख पा रहे हैं, जिस वजह से कल आपको मार्केट में फिर से एक अपसाइड फॉर्म होता हुआ दिखाई दे सकता है। निफ्टी 50 के टेक्निकल चार्ट में आज हम फिर से एक अपसाइड में क्लोजिंग को देख पा रहे हैं। ये आज अपने 9 डेज और 21 डेज के EMA लाइन को ब्रीच करते हुए अपसाइड में अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। इसके RSI लेवल में हमें एक साइड वे ट्रेंड देखने को मिल जाता है, जो कि कल आपको इवन फर्दर अपसाइड में मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर हम इसके ऑप्शन चेन डेटा की ओर रुख करते हैं तो यहाँ पे हम इसके 4th ऑफ जुलाई के वीकली एक्सपायरी डेटा में
इसके पुट साइड में 11,800 के लेवल पे 5.90 लाख पुट कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड होता हुआ देख पाएंगे और इस लेवल पे हम 11,80,950 क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को देख सकते हैं, जिस वजह से कल के लिए हम 11,800 के लेवल्स को एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल के तौर पे देख सकते हैं। कॉल साइड में हमें 11,900 के लेवल्स पे 4.52 लाख कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है और हम इस लेवल पे 8.66 लाख से भी ज्यादा क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को देख पा रहे हैं। इस वजह से कल के लिए 11,900 का लेवल एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल के तौर पे हमें उभरता हुआ दिखाई दे सकता है। बैंक निफ्टी के टेक्निकल चार्ट में आज हम थर्ड कंसेक्यूटिव डे के लिए एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ देख पा रहे हैं। इसने अपने 9 डेज और 21 डेज के ईएमए लाइन के काफी ऊपर आज अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। इसके आरएसआई लेवल में हमें अभी भी एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि कल आपको इवन फर्दर कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके ऑप्शन चेन डेटा में हम इसके 4th ऑफ जुलाई की वीकली एक्सपायरी में करंटली इसके पुट साइड में 31,000 के लेवल पे 2.01 लाख पुट कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड होता हुआ देख पा रहे हैं और इस लेवल पे हमें 3.08 लाख से भी ज्यादा क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जिस वजह से कल के लिए 31,000 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल के तौर पे हमें दिखाई दे सकता है। कॉल साइड में हमें 31,500 के लेवल पे 1.63 लाख कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है और हम इस लेवल पे 2.64 लाख से भी ज्यादा क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को देख पा रहे हैं, जिस वजह से कल के लिए 31,500 का लेवल एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल के तौर पे हमें दिखाई दे सकता है।